नमस्कार, केके न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए आज के ताजा खबरों पर डालते हैं एक नजर। समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अक्सर रहते हैं मनोज श्रीवास्तव। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसका प्रचार करना है गलत। जो खाएंगे वही खिलाएंगे, किसी को नहीं सोने देंगे भूखा, ये है संकल्प। हर समय आए जनता का काम, वही है हमारा प्रयास। अपने दिनचर्या में शामिल करें मास्क व सैनिटाइजर। सरकार के निर्देशों का स्वयं से करे पालन, मनोज श्रीवास्तव। अब खबर विस्तार से। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। हर समय समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर होकर नर सेवा को ही नारायण सेवा मानकर निरंतर गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। गरीबों का पेट भरते हुए हर जरूरतों को पूरा करने में हर समय प्रयास करना इनका दिनचर्या बन गया है और गरीबों की सेवा में निरंतर तन मन धन पूर्वक करते हुए गरीबों के मसीहा बन बैठे हैं। नर सेवा को ही नारायण सेवा की सेवा मानकर निरंतर करते रहते हैं सेवा और इनका प्रचार करने से बचते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजसेवी व भाजपा नेता मनोज श्रीवास्तव की, जो निरंतर गरीबों, मजलूमों, असहायों की सेवा में लगे रहते हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना खाए न रहे और न सोए, और जिनको जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उनको उस प्रकार के सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। केके न्यूज 24 से बातचीत के दौरान मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसका प्रचार भी करना गलत है। अगर हम किसी का मदद कर रहे हैं तो वह अवसर हमको भगवान ने दिया है और यह अवसर हमें प्रचार करके पब्लिसिटी बटोरने का नहीं है। श्री श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बातचीत के समय बताया कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मेरी जानकारी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आगे मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस वैश्विक महामारी को हमको मिलकर भगाना है। इस समय सामाजिक दूरी की भी जरूरत है। समाज में लोग पुलिस या प्रशासन को देखकर ही नियमों का पालन करते हैं, जबकि हमें सक्रिय होकर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, न कि शासन प्रशासन के डर से। केके न्यूज 24 मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव कुशीनगर केसरी संवाददाता मिर्जापुर से। मैं मनोज श्रीवास्तव जी की आवाज पर आई हूँ, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगी, जो वैश्विक महामारी COVID-19 है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी। धन्यवाद। आप मुझे कुछ बताएंगे, ये जो महामारी है ये आप वितरण भी कर रहे हैं, लगभग 2 महीने से वितरण कर रहे हैं आप राहत सामग्री लोगों को, खाद्यान्न पदार्थ, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपका प्रश्न दो फेज का है। COVID-19 वैश्विक महामारी, इस वैश्विक महामारी के जिस दमदारी और ईमानदारी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री सदस्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से उन्होंने त्वरित निर्णय लिया, जिस प्रकार से देश उनके साथ खड़ा हुआ और उन्होंने देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो काम किया है, अगर ये काम नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं करते तो अब तक इस देश के अंदर 50 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हुए होते, लगभग 1 लाख से अधिक लोग मृत्यु के कगार पर होते। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माविंदवासियों से प्रार्थना करता हूँ, इस देशवासियों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, इन्हें दीर्घायु करें। और प्रधानमंत्री के इशारे पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान हम सब के प्रेरणा के केंद्र योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, जिस तन्मयता के साथ रात दिन एक करके उन्होंने इस प्रदेश को संभालने का काम किया, प्रदेश को बचाने का काम किया, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, आज अगर ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके पास नहीं होते तो बहुत विकट स्थिति में होता। लेकिन इन्होंने एक लगा करके रखा है COVID-19 इस वैश्विक महामारी को, एक तरह से ठहराव से उत्तर प्रदेश में हो गया है। आज आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए, तमिलनाडु की हालत देख लीजिए, राजस्थान की हालत देख लीजिए, कैसी विकट स्थिति इन प्रदेशों की बनी है। उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम संक्रमित लोग हुए हैं। मैं ईश्वर से और भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, योगी आदित्यनाथ को साहस दे, संबल दे और इस COVID-19 का हम सब मुकाबला दमदारी के साथ कर सके। एक प्रथम चरण का प्रश्न आपका ये है, मैं ये जो लॉकडाउन है इसको दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। सरकारी और शासन के दम पर यह सोशल डिस्टेंसिंग कायम नहीं हो सकता। जब तक से समाज जागरूक नहीं होगा, समाज के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, समाज स्वयं इस बात को नहीं समझेगा,
पुलिस के दम प्रशासन के दम पर पुलिस फ्लैग मार्च करे, हमको जागरूक करने के लिए कब तक करेंगे? यह लॉकडाउन आज ही तो कल समाप्त होगा, इसलिए जन सामान्य व्यक्ति के अंदर यह भाव अंतर मन से पैदा हो कि हमें अब किस प्रकार से इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें चलना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है। यह समाज अपने अंदर जब यह भाव पैदा कर लेगा, निश्चित रूप से हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये जो आप बांट रहे हैं गरीबों के लिए राशन, तो ये आपका अपना है योगदान या जनता है इसमें? देखिए, हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के हम प्रांत संघ के मंत्री रहे। संघ की शाखा पर हमने जो सीखा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है और सेवा से बड़ा कोई धर्म इस देश की धरती पर नहीं है आज के युग में, तो मैं उस काम को बखूबी कर रहा हूँ और मेरे इस काम में समाज मिर्जापुर का जनमानस पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके सहयोग किया है और आज हजारों लोगों का जो खाद्यान्न मेरे आवास से वितरण हुआ है या गांव में जाकर के हमने वितरण किया है, समाज के बहुत अच्छे प्रभावी लोग और सामान्य कार्यकर्ता ने भी इसमें सहयोग किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज मेरे साथ दमदारी इसके साथ खड़ा हुआ है। आप लगभग 2 महीने से आप बाढ़ रहे, लेकिन आप मीडिया को सूचित नहीं करना चाह रहे थे ऐसा? कुछ काम होता है वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं होता है, पवित्र हृदय से जो काम करते हैं वो प्रचार से दूर रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये दिन बांटा है।